subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से. वेलकम टू माय चैनल. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल सिंगल दुपट्टा रैपिंग. इनके पास एक दुपट्टा है, दूसरा दुपट्टा ये नहीं लेकर आ पाई थी अपना. तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर एक दुपट्टा हमारे पास हो तो हमें किस तरीके से दुपट्टा रैपिंग करनी है. तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को प्लेटें बना लेनी है सिंपली, नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग साड़ी की प्लेटें बनाते हैं ना, उस तरीके से. देखिए, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेना है. और सबसे पहले हमें आगे का पोर्शन थोड़ा सा देख करके हमें कितना नीचा रखना है उसके हिसाब से हम लोग शोल्डर पर पिन लगा देंगे. अगर आपकी जो ब्राइड है वो बोले कि उसको आगे से थोड़ा सा नीचा रखना है तो आप थोड़ा और आगे कर सकते हैं. बट क्या है कि इनका सिंगल दुपट्टा है तो इससे ज़्यादा नीचे अगर हम लोग रखेंगे तो ये बिल्कुल भी सही से फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंगल है, हमें सर पर भी चुन्नी लेनी है. तो देखिए, उसके बाद हम लोग फिर से देखिए एक दूसरे के ऊपर इन प्लेटों को लेंगे बहुत फिनिशिंग के साथ, और एक पिन जो है वो यहाँ पर भी लगा देंगे ताकि ये दुपट्टा इधर उधर ना जाए बिल्कुल भी. और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है. मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे चैनल को. तो देखिए, इस तरीके से हम लोग जो है, इस तरीके से देखिए, हमने ओनली फॉर चुन्नी में ये पिन लगाई है. ब्लाउज़ में इसको टक हमने नहीं किया है. जो हमने शोल्डर पर पिन लगाई थी उसको हमने ब्लाउज़ पर टक किया है. उसके बाद देखिए, इस तरीके से हम लोग आगे से जो इसको जो है इस तरीके से छोड़ देंगे. साइड में एक पिन लगाएंगे बहुत थोड़ी सी जगह में, और हमें लगा कि हमें ब्लाउज़ में भी ये टक करना चाहिए क्योंकि इधर उधर हो रही है बार बार चुन्नी, तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ब्राइड के साथ में कोई भी रिस्क हम लोगों को नहीं लेना है. तो तीसरी पिन जो हम लोगों ने लगाई वो लगाई है हमने ब्लाउज़ के साथ में अटैच करके चुन्नी के साथ, ठीक है. तो तीन पिन हम इस टाइम पर लगा चुके हैं. अब हम लगाएंगे चौथी पिन, वो हमें कहाँ लगानी है. हमने प्लेटें देखी एक दूसरे के साथ देख ली, और अब हम इस पिन को लेकर जा रहे हैं साइड में जिधर हमारी लटकन होती है. लटकन से थोड़ा सा पहले लगाएंगे क्योंकि हमें पूरी तरीके से लटकन को कवर नहीं करना है, ना ही हमें पूरी तरीके से हिप्स के पास लेकर जानी है. तो इस तरीके से देखिए, हमने लहंगे में और चुन्नी में अटैच करके ये एक पिन लगा दी. तो हमारी जो पिन है ये चौथी पिन है, और अब हम पाँचवीं पिन लगाएंगे इन प्लेटों में क्योंकि ये प्लेटें इधर उधर ना भागें. उसके लिए हम लोगों को देखिए एक पिन हम यहाँ पर लगाएंगे. तो मैं आप लोगों को बताती चली जा रही हूँ कि एक ब्राइडल जो चुन्नी होती है उसमें कितनी पिन की हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें किस तरीके से लगानी चाहिए. तो देखिए, आगे से हमारा जो दुपट्टा है वो बहुत अच्छे से रैप हो गया है. अब आ गए हम लोग पीछे. तो पीछे हम लोगों ने सर पे लेना है, जो दुपट्टा इनका बाकी बचा है उसको हमें सर पे लेना है. और इस तरीके से देखिए, हम लोग जो है वो सर पर लेकर जाएंगे जहाँ पे हम लोग डोनट बनाते हैं गजरे के साथ में, क्योंकि इनका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत प्यारा है. बहुत आगे चुन्नी हम लोगों को नहीं लेनी है. हमने अपनी जो क्लाइंट, मतलब ब्राइड है, क्लाइंट है जो हमारी, उनसे हमने पूछ लिया था कि आपको दुपट्टा बहुत आगे तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि मेरा हेयर स्टाइल दिखना चाहिए. तो इस तरीके से हम लोगों ने इनके जो दुपट्टा है देखिए वो जूड़े के ऊपर सेट कर दिया है, जहाँ पे हमने डोनट और गजरा लगाया था वहाँ पर हमने सेट कर दिया है. और अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे जूड़ा पिन. यहाँ पर आप याद रखिए कि आप लोगों को जूड़ा पिन ही लगानी है. अगर आप यहाँ पर सेफ्टी पिन या कुछ भी लगाएंगे तो इतनी सक्सेसफुली वो अच्छे से नहीं काम करती है जितना कि जूड़ा पिन काम करती है. और जूड़ा पिन ना निकलती भी नहीं है. आप दुपट्टे के नेट के साथ में मिलाकर देखिए, इस तरीके से जूड़ा पिन लगाइए, चार पांच जूड़ा पिन पीछे लगा दीजिए. और इस तरीके से आप लोगों को ना शोल्डर पर भी टक्करनी होती है, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो फिर ये इधर उधर भागती रहेगी चुन्नी. तो हम लोगों ने शोल्डर में भी देखिए अंदर से ब्लाउज़ के साथ में चुन्नी को टक कर दिया है हल्का सा लूज़ छोड़कर, ताकि जब जयमाला डले तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज ना पहुँच जाए गर्दन के. तो इस तरीके से देखिए, इनका दुपट्टा जो है वो रैप हो चुका है. बहुत ही सिंपली रैप हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था. और जो हमारी ब्राइड हैं वो भी बहुत प्यारी लग रही थी. और मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरीके से आप बहुत ही इजी मेथड से अपनी ब्राइडल दुपट्टा रैपिंग कर सकते हैं. और आप इनका ओवरऑल लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, जो इनका लुक निकल कर आया है चुन्नी का और पूरा मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह का, कितनी प्यारी लग रही हैं. बहुत ही न्यूट कलर का इनका जो था वो लहंगा था. और मैं आप लोगों को बता दूं, इनके हेयर स्टाइल की वीडियो भी चैनल पर जा चुकी है, इनके मेकअप की वीडियो भी चैनल पर जा चुकी है. दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा. और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको इजीली इनकी सारी वीडियो मिल रही होंगी. तो जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं डेली अपने चैनल पर वीडियो जो है वो देती हूँ, और आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देती हूँ जो आप लोगों को पसंद आती है. तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी. बाय बाय.